मैं इसी क्षण प्रभु के लिए ऐसे रक्षा शिविर का निर्माण करूंगा जिसे कोई भी भेद नहीं सकता। नहीं महाराज, आपने महिरावण का परित्याग किया था, इसलिए वो आपके बुलावे में नहीं आएगा। तब मैं जाऊंगा उसके पास, फिर कैसे ठुकराएगा वो मेरा आदेश? जी महाराज, इस राज्य गृह में ही एक ऐसा गुप्त मार्ग है जहां से प्रवेश करके आप पाताल लोक में अपने पुत्र महिरावण और पाताल के स्वामी महिरावण से भेंट कर सकते हैं। मैं ऐसे क्षण प्रस्थान करूंगा और उस वनवासी और उसकी संपूर्ण वानर सेना के लिए एक ऐसा दुर्दांत आतंक प्रस्तुत करूंगा जिससे उनकी रक्षा कोई नहीं कर सकेगा। किंतु हनुमान, आप ऐसा कौन सा विशिष्ट शिविर बनाएंगे जो हमारे द्वारा प्रदत्त शिविर से भी शक्तिशाली होगी? वो शिविर होगा मेरी सखा, मेरी पूंछ का शिविर। पूंछ का शिविर? हाँ, मेरी वज्र समान पूंछ को भेद कर कोई भी भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा, और उस शिविर का द्वारपाल भी मैं स्वयं रहूंगा। इससे बड़ी कोई अन्य सुरक्षा तो प्रभु के लिए हो ही नहीं सकती। अब मैं रावण और उसकी किसी भी माया को शिविर में प्रवेश नहीं करने दूंगा। मेरी पारदर्शी देह के कारण मेरी उपस्थिति का इन राक्षसों को आभास भी नहीं होगा।
जय माता महामाया। मेरे इस विशिष्ट पाताल भवन में मेरी इच्छा के विरुद्ध देवाधिदेव शिव, देवी महामाया और मेरे जन्मदाता, मेरे शिव भक्त पिता, मात्र ये तीनों ही प्रवेश कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं। वो मैं क्या? वो पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया, इस महीरावण को जन्म दिया किंतु जन्म सिद्ध अधिकार से मुझे वंचित रखा, जिनका लहू मेरी धमनियों में हर क्षण दौड़ता रहा, परंतु उन्होंने अपने जीवन के एक क्षण का भी सानिध्य मुझे नहीं दिया। मुझे इस धरती में समाधिस्थ करके भूल गए, परंतु मैंने अपने जीवन के हर एक क्षण में उन्हें स्मरण रखा, जिनके हृदय के द्वार मेरे लिए सदैव बंद रहे, परंतु मैंने अपने हृदय के द्वार उनकी प्रतीक्षा के लिए सदैव खुले रखे। आज वो पिता जिन्होंने अपना पुत्र धर्म कभी नहीं निभाया, परंतु मैं उन्हें प्रणाम करके अपना पुत्र धर्म अवश्य निभाऊंगा। प्रणाम पिताश्री। आप सब इस प्रकार अवाक से क्यों देख रहे हैं हमें? जिसके प्रति हृदय में भक्ति होती है, उसके प्रति सब कुछ समर्पित करने में ही सच्चे आनंद की अनुभूति होती है। मैं तो मात्र अपने और अपने सखा की सेवाएं प्रभु को अर्पित कर रहा हूं। आशा है कि यह शिविर आपके लिए सुखदायक होगा। जो रघुबीर पे आयो पवन तनय ही मार्ग सुझायो, वज्र समान जो पूछ थी पाई शिविर अभेद सोता से बनाई। प्रभु आपके लिए शिविर प्रस्तुत है। मैं स्वयं शिविर के द्वार की रक्षा के लिए नियुक्त रहूंगा। आप
निश्चिंत होकर इसमें विश्राम कीजिए। हनुमान, जब तुम्हारे जैसा महायोद्धा द्वार की रक्षा में उपस्थित हो तो चिंता कैसी? जामह श्री रघु नाथ पधारे, द्वार पे हनुमत भय रखवारे, वज्र सुरक्षा नाथ विराजे, काज पुनः कपि राम के साजे। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। रावण की बड़ी से बड़ी मायावी शक्ति भी इस शिविर में प्रवेश नहीं कर सकती। वो चाहे तो मेघनाथ से भी बड़ी मायावी शक्ति को क्यों न ढूंढ ले। मेघनाथ की भांति तुम भी तो मेरे पुत्र ही हो। भले ही मैं तुमसे जुड़ा नहीं रहा, परंतु मेरा नाम सदैव तुम्हारे नाम से जुड़ा रहा। मही रावण, जो आज तुम्हारी पहचान है। आज अकस्मात ही मैं आपके पुत्र मेघनाथ की भांति हो गया। मेरे प्रिय पिताश्री, मैं मेघनाथ जैसा नहीं हूँ, नहीं हूँ मेघनाथ जैसा। जो एक तुच्छ वानर से परास्त हुआ, जो नर एवं वानर के हाथों जिसका वध हो गया। नहीं, मैं मेघनाथ से अधिक मायावी शक्तियों का स्वामी हूं। पिताश्री, काल हूं मैं, काल हूं मैं। उन नर और वानरों के लिए महिरावण हूं मैं, महिरावण हूं मैं, महिरावण हूं मैं। तो तुम्हें सब कुछ ज्ञात है। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से सही, किंतु महान लंकेश रावण का पुत्र महिरावण हूं मैं। और योग्य पुत्र वही होता है जो अपने पिता से दो डग आगे रहे। मेरे प्रिय पिताश्री, सब ज्ञात है मुझे। उत्तम, अति उत्तम मेरे पुत्र, मुझे गर्व है तुम पर। गर्व? आपके दो प्रतापी पुत्र अक्ष कुमार और मेघनाथ वानर एवं नर के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो गए। आपका एक भ्राता तो द्रोही निकला और एक भ्राता सर्वशक्तिशाली कुंभकर्ण रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हो गया, और बचे हुए योद्धा तुच्छ वानरों के हाथों परलोक सिधार गए। हाँ पुत्र, हाँ। और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि आपने एक पर स्त्री सीता का हरण कर लिया, मेरे प्यारे पिताश्री। और जब आपका सब कुछ समाप्त हो गया, आपको विवश होकर इस महिरावण के पास आना पड़ा, है ना? नहीं पुत्र, मैं दुर्भाग्य है आपका जो आपके इतने विलंब के पश्चात उस पुत्र का स्मरण हुआ जो पराक्रम में आपके पुत्र अक्ष कुमार से अधिक पराक्रमी है, जो माया में आपके पुत्र मेघनाथ से अधिक मायावी, और जो विकरालता में आपके भ्राता शक्तिशाली कुंभकर्ण से अधिक विकराल है। बातें तो तुम बहुत बड़ी बड़ी करते हो मही रावण। यदि इतना ही घमंड है अपनी शक्ति पर, तो जाकर अंत क्यों नहीं कर दिया उस वनवासी और उसकी वानर सेना का? क्या सोचते हैं आप? आपकी चार उकसाने वाली बातों से मैं आपकी बातों में आ जाऊंगा? मेरे प्रिय पिताश्री, मैं आपके पुत्र नहीं, आपके प्रिय पुत्र मेघनाथ की भांति नहीं हूं। बस,
बार बार स्मरण मत कराओ मेरे मृत पुत्र मेघनाथ का। पीड़ा होती है ना, होती है ना पीड़ा, बहुत दुख होता है ना पिताश्री, अपने पुत्र से, नहीं नहीं, अपने प्रिय पुत्र से दूर जाने की। मुझे भी दुख हो रहा है, इतने वर्ष हो गए मेरे प्रिय पिताश्री, क्या आपको तनिक भी दुख नहीं हुआ मुझसे इस माही रावण से दूर जाने का? फिर किस बात का पक्ष रखते हो हाँ? कि मैं वहां जाकर आपका कार्य करूं? नहीं, इस समय मुझे शांत रहकर इस मूर्ख को अन्य युक्ति से मनाना होगा, क्योंकि अब तुम ही मेरे उत्तराधिकारी हो, मेरे पश्चात तुम ही बनोगे इस लंका के लंकाधिपति लंकेश मही रावण। लंकेश मही रावण अच्छा लगता है सुनने में, कभी अच्छा लगता है, बड़ा ही कर्ण प्रिय लगता है लंकेश मही रावण। परंतु मेरे प्यारे पिताश्री, ये मही रावण भविष्य के सपने नहीं देखता, वर्तमान में विश्वास रखता है, और कौन जाने कल आपके पश्चात ये लंका ही ना रहे। बात करना है तो आज की कीजिए, आज और इसी क्षण। क्या दे सकते हैं आप मुझे? महाराज सुग्रीव, आप भी विश्राम कीजिए, यहां के लिए आप निश्चिंत रहिए, मैं सब संभाल लूंगा। मेरी इच्छा के बिना यहां पर कोई भी प्रवेश नहीं कर सकेगा। किंतु हनुमान, ऋषिवर अगस्त्य को किसी अनिष्ट का संदेह हुआ होगा, इसीलिए तो उन्होंने इस विशेष सुरक्षा का सुझाव दिया था। महाराज, आप सब मुझ पर विश्वास रखिए, जाइए, आप सब निश्चिंत होकर निद्रा लीन हो जाइए, जिससे कि कल के युद्ध में रावण का सामना करने के लिए पूर्ण स्फूर्ति के साथ सब रणभूमि में उतर सकें। हनुमान सत्य कह रहे हैं, रावण घायल सिंह की भांति दुर्दांत हो गया है। कल रावण की भयता का दमन करने के लिए हमें अपनी पूर्ण शक्ति और सजगता को सजो कर रखना होगा कल के लिए। ठीक है हनुमान, कदाचित कल प्रातःकाल आरंभ होने वाला युद्ध निर्णायक युद्ध हो, इसलिए आप सभी को अपने अपने कक्ष में जाकर विश्राम करना चाहिए। पुत्र मही रावण, वो दोनों वनवासी रघुकुल के राजकुमार हैं। अत्यंत प्रतापी, सर्वगुण संपन्न, विकट तेजस्वी और महाज्ञानी, धर्म पालक, तन मन से सुंदर, सात्विक एवं शुद्ध आत्मा। सत्य तो यह है कि उनका ज्येष्ठ भ्राता ही अयोध्या का चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। अकस्मात ही अपने शत्रुओं की इतनी प्रशंसा, ये हो क्या गया है पिताश्री को? ये सत्य है मही रावण कि तुम महामाया की प्रसन्नता के लिए तंत्र साधना करते हो, और तंत्र साधना के लिए उन दो वनवासियों से अच्छा बलि का पात्र और कोई नहीं हो सकता। उन दो शुद्ध आत्मा राजकुमारों की बलि चढ़ाने से महामाया अति प्रसन्न हो सकती है। क्या तुम ऐसा स्वर्णिम अवसर छोड़ देना चाहते हो?
सोचो महिरावन सोचो, ऐसी शुद्ध आत्माओं की बलि पाकर देवी महामाया तुम्हें कैसी कैसी दुर्लभ शक्तियां प्रदान करेगी। उत्तम, अति उत्तम। मैं चढ़ाऊंगा उन दो रघुवंशियों की बलि देवी महामाया के चरणों में। आज रात्रि की घड़ी परीक्षा की घड़ी है, मुझे क्षण प्रतिक्षण सतर्क रहना होगा। लालच व्यक्ति को पतन की ओर धकेल देता है।